हुण हो की रहा पहला तो पंजाब यूनिवर्सिटी का वीसी लाए गए वीसी बनारस यूनिवर्सिटी तो लिया के बनारसी एक पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी लाए गए ये किया सेंटर सरकार ने उदू बाद हुण जदों सैनेट के इलैक्शन होने से उन्होंने ये कह के टाल दिता गया भी कोविड आ तो सैनेट के इलैक्शन नहीं हो सकते जदों के बिहार च विधानसभा चोणां भी होई जांदियां हरियाणे च बायपोल्स भी होई जांदियां जिहड़ियां सीटां खाली आ उहदियां भी चोणां होई जांदियां पर पंजाब यूनिवर्सिटी दे सैनेट दे इलैक्शन नहीं हो कराए जा रहे क्यों सत श्री अकाल जी मैं आस करदा तुसीं तंदुरुस्त ठीक ठाक होवोंगे चढ़दी कला च होवोंगे सब जने गल बड़ी जरूरी आ इस करके रूबरू होए आ क्योंकि अगला हमला जिहड़ा पंजाब ते हो रहा जिहड़ा केंद्र सरकार या सेंटर सरकार जिवें पावर नूं सेंट्रलाइज करन वास्ते वार वार साडे पंजाब ते तां खास तौर ते हमले करदे रहिंदे आ सो अगला हमला जिहड़ा हो रहा उह साडी पंजाब यूनिवर्सिटी ते हो रहा इहदे थोड़े जिहे आपां पिछे इतिहास च जांदे आ जदों पार्टीशन तों पहलां पंजाब दी राजधानी लाहौर सी सो पार्टीशन होई 1947 तों बाद भारत आजाद होया तो राजधानी चंडीगढ़ बनाया गया पंजाब की वह भी पंजाब के पिंडां नूं उजाड़ के चंडीगढ़ नूं पंजाब की राजधानी बनाया गया पर उहदा प्रबंधकी ढांचा सानूं नहीं दिता गया तुसीं देखो किवें खेडदे आ साडे नाल पंजाब दीआं जमीनां साडे किसानां दीआं जमीनां लै के वह पिंडां नूं उजाड़ के चंडीगढ़ बनिया तो उहदा प्रबंधकी ढांचा उहनूं यूटी बना के यूनियन टैरीटरी बना के दिल्ली दे कोले आ सो अगली गल हुण जिवें लाहौर तों पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ आई उवें ही लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी भी हुंदी सी साडी ते पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर तों चंडीगढ़ आई ते पंजाब यूनिवर्सिटी साडे कोले अज चंडीगढ़ पर पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रबंधकी ढांचा जिहड़ा ये आपां समझदे आं प्रबंधकी ढांचा सैनेट ते सिंडीकेट चलाउंदे आ सैनेट जिहड़ी हुंदी आ उह इक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आ एक इहो जिही बॉडी आ जिहड़ी चुण के आउंदी आ और जिहदे नुमाइंदे आ जिहड़े सैनेटर आ उह आम तौर ते पंजाब दे हुंदे सी तो प्रबंधकी ढांचा पंजाब दे साडे नुमाइंदियां दे हत्थ च रहा हजे तक हुण हो की रहा पहलां तां पंजाब यूनिवर्सिटी का वीसी लाए गए वीसी बनारस यूनिवर्सिटी तो लिया के बनारसी एक पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी लाए गए ये किया सेंटर सरकार ने उदू बाद हुण जदों सैनेट दे इलैक्शन होने से उन्होंने ये कह के टाल दिता गया भी कोविड आ तो सैनेट दे इलैक्शन नहीं हो सकते जदों के बिहार च विधानसभा चोणां भी होई जांदियां हरियाणे च बायपोल्स भी होई जांदियां जिहड़ियां सीटां खाली आ उहदियां भी चोणां होई जांदियां पर पंजाब यूनिवर्सिटी दे सैनेट दे इलैक्शन नहीं हो कराए जा रहे क्यों क्योंकि जिहड़ी सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी आई आ हुण पंजाब दी देखो ये गल समझण दी जरूरत आ सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी दे अधीन इन्होंने यह स्पष्ट गल करती है सेंटर सरकार ने या दिल्ली सरकार ने तो बीजेपी ने होना भी पंजाब च या इहियां यूनिवर्सिटी के जिहड़े सैनेट के बॉडीज सी जिथे पंजाब की नुमाइंदगी सी उन्हों खत्म कर दिता जाऊगा तो UGC अदारा जिहड़ा भारत सरकार का वो एक गवर्निंग बॉडी या जिहड़े मैंबर्स आ उत्थों दे गवर्निंग बॉडी के वो नॉमीनेट करेगा तो वह गवर्न करेंगे उत्थों का प्रबंधकी ढांचा आपके हाथ च लैणगे इहदा मतलब पावर नू सेंट्रलाइज किया जा रहा साढ़े तो साड़ी सिक्ख्या अदायरे आ जिहड़े या उत्थों दीआं साडीआं सिक्ख्या दीआं पॉलिसीज आ इहदा मतलब वह साढ़े तो खोईआं जा रही हैं सो खुद मुख्तियारी खातर तो असीं लड़ रहे हैं जिहड़ी अज लड़ाई का साडा आधार है यही है ना भी पंजाब आपके फैसले आप नहीं लै सकता पंजाब के फैसले दिल्ली तो होंदे आ सो अज उस आधार से जे साडे तो साडी यूनिवर्सिटी का प्रबंधकी ढांचा लै लिया जाए पहला VC तो बनारस तो आके बैठा तो हुण जे सैनेट दे इलैक्शन नहीं कराए जाते तो पंजाब की एक आखिरी दावेदारी जिहड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी ते सीगी साडे नुमाइंदे उत्थे जाके उत्थों का प्रबंधकी ढांचा जां जिहड़े फैसले लैने हुंदे सी ओह VC का फैसला भी चैलेंज कर सकदी सी सैनेट पर इन्हां ने ओह भी खत्म करके आपदे हत्थां च लै लैणा सो सानू हुण इसे संघर्ष च किसानी के संघर्ष च यह गल समझण की जरूरत आ भी जिहड़ी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के खिलाफ असीं लड़ी जाने भी पंजाब के फैसले पंजाब नहीं लै सकता उहदा एक बहुत बड़ा हमला सिक्ख्या ते भी हो रहा जिहड़ी गल एड्डी ज़्यादा साढ़े मेरे ख्याल च सानूं अंदर वजनी चाहीदी आ क्यों क्योंकि
एक समाज का आधार ही सिक्ख्या से खड़ा। तुसी देखो जो एमरजेंसी लगी सी ना, इंडिया च एमरजेंसी लगी सी, उदों पहला सिक्ख्या स्टेट सबजैक्ट हुंदा सी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन च साढ़े संविधान च स्टेट का सबजैक्ट सी, सूबे का सबजैक्ट सी। इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी के दौरान उन्हों कॉन्करेंट लिस्ट च पाता भी दोनों का साझा करता स्टेट ते सेंटर का, पर उहदे च जिहड़ा ओवरराइडिंग प्रिंसीपल आ सिक्ख्या दा, कोई नीति घड़ीए तो ओवरराइडिंग प्रिंसीपल सेंटर का रहेगा। मतलब सेंटर दे कोले जिहड़ी मुख पावर आ सेंटर कोले रहेगी। तो पंजाब कोई नीति घड़े जे सेंटर नूं मंजूर नहीं आ तो पंजाब उह नीति नहीं घड़ सकता या कोई भी सूबा घड़ नहीं सकता। सो इस करके सिक्ख्या नूं तां पहले ही आपदे कोले लै गए ते अज तक किसी सरकार ने इहनूं चैलेंज नहीं कीता। हुण जिहड़ा प्रबंधकी ढांचा पंजाब यूनिवर्सिटी का सैनेट का, वह भी यह टाल रहे हैं। तो डारा भी यह UGC डिपार्टमेंट के थ्रू उन्हें सेंट्रलाइज कर लेंगे तो आपके नुमाइंदे उतों नॉमीनेट करके लाएंगे और सैनेट को खत्म कर दिया जाऊगा। इस लड़ाई या इस संघर्ष अज साडियां स्टूडेंट जथेबंदियां या साडे प्रोफेसर जिहड़े पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर्स आ वह खड़े आ। तो मैं कहना भी साडा आधार ही लड़ाई का खुद मुख्तियारी है या पंजाब को आपके फैसले लैण का हक होना चाहिए। सो इस लड़ाई भी असी साडे स्टूडेंट्स नाल जिहड़े साडे उत्थों दे प्रोफेसर आ उहनां नाल खड़े आ ते पंजाब दे हर बंदे नूं इस लड़ाई च साडे स्टूडेंट्स दे नाल खड़ के उहनां उत्थे शमूलियत करनी चाहीदी आ, खड़ना चाहीदा। क्योंकि जिहड़ी लड़ाई आपां लड़ रहे हां खुद मुख्तियारी दी, इत्थे साडे कोल इक खुद मुख्तियारी दा ढांचा सी। देखो हौली हौली करके पावर नूं इन्ना सेंट्रलाइज कीता इन्हां ने भी जिहड़े बचे खुचे साडे खुद मुख्तियारी दे ढांचे आ उह वी साडे तों लैके जा रहे आ। सो जदों मैं हमेशा कहना हुंदा पंजाब आपदी होंद दी लड़ाई लड़ रहा, साडे घरां च वड़ चुकी आ। घरां च हुण जे खेती तां ही आ गई, सिक्ख्या तां ही आ गई, फिर साडे फलसफिया तां ही आ गई, साडी विचारधारा ते साडे सभ्याचार ते अटैक हो रहा, फिर बचा की आ साडे कोल? फिर असीं आपदे आप नूं कहिंदे आ वी असीं पंजाबी आ जां असीं इह साडे कल्चर नूं मल्टीकल्चरलिज़म नूं बचाणांगे, इहनूं फैडरल स्ट्रक्चर नूं बचाणांगे। सो बाई जी हुण तां इक पासा करना पऊगा, सच वाले पासे खड़े हो के झूठ वाले पासे खड़े हो? इहदे विच विचाले कुछ भी नहीं। जुल्मी तां आपदा काम करी जांदा, असीं आपदा काम कर रहे हां कि नहीं कर रहे जिहड़े धर्मी बंदे आ। सो जे आपदा काम करना, जुल्मी ने तां आपदा काम करी जाणा, पर असीं संघर्षी ते धर्मी बंदिआं ने वी सब कुछ फर्ज निभाउणे हुंदे आ। सो लड़ाई घरां च वड़ गई आ, हुण तां उठना पऊगा, आवाज़ां बुलंद करनियां पैणगियां, जागना पऊगा। तो एक बार फिर मैं कहना जे कितें इन्हां ने सैनेट खत्म कीती तो बहुत वड्डा विरोध होना इस गल दा, तो बहुत वड्डा संघर्ष लड़िया जाणा। क्योंकि पंजाब दी जे साडे तों साडी राजधानी तां हजे तक सानूं दित्ती नहीं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी भी साडे तों खोह लैणगे। सो मेरी बेनती यही आ, अर्ज़ यही आ तुहानूं भी आपां उहनां सारे साडे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, साडे उत्थों के प्रोफेसर का साथ देईए, सैनेट के इलैक्शन करवाउण खातर दबाव पाईए। तो नहीं तो फिर देखते हैं कितों तक ये चलते हैं, भाई दिन वाण जिवें मैं कहना हुण इक्को जिहे हुंदे आ। मेरे वालों बहुत सारा प्यार ते सत्कार, जिउंदे वास्ते रहो, सति श्री अकाल जी। सिख धर्म की हर गतिविधि अते गुरबाणी वास्ते हुणे सबसक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी, अते नोटिफिकेशन वास्ते बैल नूं रिंग करो।